यादव। दोस्तों मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ मुमरा पुलिस स्टेशन में और यहाँ पर एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है जो यहाँ के सीनियर पीआई मधुकर खड़ साहब हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और डिटेक्शन के जो दलवी साहब हैं उन्होंने ये यहाँ पर जो है एक गिरोह पकड़े हैं जो मोटरसाइकिल जो चोरी करते हैं, जैसे कि ये शौकिया तौर पे चोरी करते हैं, ये जो लड़कियां हैं छोटी छोटी या बच्चे उनको जो है बैला फुसला के घुमाते हैं और जहां भी पेट्रोल जो है ख़त्म हो जाता है वहां पर इस गाड़ी को छोड़ देते हैं। इस तरीके से 12 जो है बाइक मोटरसाइकिल जो है पकड़े हैं और 3 रिक्शा है इसके अंदर। ये एक मुमरा पुलिस ये जो 3 महीने का जो लॉकडाउन था उसके अंदर ये बड़ी सफलता उनको हाथ लगी है। अभी भी पूछताछ चालू है कि और आगे इन्होंने कितना कांड किया है या इनके साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी गाड़ियाँ जो है यहाँ से वहाँ तक जो खड़ी है ये सब गाड़ी जो है जब्त की गई है। इसमें बहुत सारी गाड़ी ऐसी है जो अभी तक रजिस्ट्रेशन भी हुई है बगैर नंबर प्लेट के जो है ये चल रही थी यहाँ पर। फिलहाल जो है इनके मुमरा पुलिस के हाथ जो है एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और आइए देखिए कि जो मधुकर कर साहब है सीनियर पीआई उन्होंने क्या कहा इस बारे में और किस तरीके से इस काम को अंजाम दिया है। नगर परिषद का आयोजन किया गया है, बहुत अच्छी कोई क्राइम डिटेक्शन की आज कामगिरी की गई है, क्या जानकारी देंगे इस पर आप? थाने पुलिस आयुक्त के कमिश्नर साहब श्री फंसाकर साहब इन्होंने आदेश दिए थे कि मुमरा एरिया में व्हीकल थेफ्ट की घटना बढ़ी है तो आरोपी डिटेक्ट करने को आदेश दिया था। उस हिसाब से एडिशनल सीपी साहब डीसीपी साहब और एसीपी साहब के मार्गदर्शन में हमारे मुमरा पुलिस के डीपी की टीम संजय गर्वे पीएसआई और उनके सभी साथीदारों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसमें कुल मिला के 12 मोटरसाइकिल और 3 ऑटो रिक्शा जब्त किया हुआ है और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर क्या मोडस ऑपरेंडी थी इन चोरों की, किस तरीके से ये गाड़ियां चुराते थे, 2-व्हीलर भी और 3-व्हीलर भी? इनका ऐसा है कि ये गाड़ी वहां से लॉक तोड़ के वहां से निकाल के लेके जाते थे, घुमाते थे, पेट्रोल खत्म हुआ के वो गाड़ी छोड़ देते थे। अच्छा, सेल नहीं करते थे? सेल नहीं किया हुआ है ये गाड़ी, इधर उधर कहीं भी छोड़ दिया हुआ है गाड़ी। तो उनके पास उन्होंने फिर उनको ताबे में लेने के बाद में उन्होंने सब डिटेक्शन की जानकारी दी हुई, उस हिसाब से सभी गाड़ियां सीज की हुई। सर रिक्शा चोरी करने का मतलब क्या था? बाइक तो फंड सेक के लिए लिया जाता है, रिक्शा का मतलब एक साथ 3-3 लोगों को 4-4 लोगों को जाने के लिए रिक्शा इजी रहती है और वो रिक्शा रोड पे कहीं पे भी पार्किंग की हुई रिक्शा है वो लेके जाने को उनको बड़ी आसानी मिलती है। सर सभी व्हीकल मुमरा के थे या बाहर के? 14 व्हीकल मुमरा के और 1 व्हीकल डाइगर के। ऑफेंस सब कहाँ रजिस्टर्ड थे? सभी 14 की 14 ऑफेंस मुमरा में रजिस्टर है और एक व्हीकल डाइगर में ऑफेंस रजिस्टर। और ये व्हीकल्स का फेरी कहाँ करते थे, लेकर कहाँ घूमते थे? सर ये मुमरा और आजू बाजू में एरिया में घूमते थे। क्या ये नोटेड अपराधी है, इनके ऊपर कोई? यस यस यस। चारों पे प्रीवियस केसेस है सर? पहले 3 के ऊपर है, 1 के ऊपर नहीं है जी। और अभी फिलहाल इनका स्टेटस क्या है सर? अभी अरेस्ट किया हुआ है, अरेस्ट में है, कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। ठीक सर, इन पर पहले कितने गुना दाखिल है, क्या हिस्ट्री शीट से ही? नहीं, हिस्ट्री शीट में, लेकिन गुने दाखिल है उनके खिलाफ। गलवे साहब, ये आज 14 गाड़ियों की लगभग आपने चोरी का केस जो है ये ओपन किया, अलग अलग केसेस दाखिल थे मुमरा में, ये सारे ऑफेंसेस रजिस्टर्ड थे और ये चारों अपराधी मुमरा के हैं। किस तरीके से ये डिटेक्शन किया गया, कैसे ये 3 रिक्शाएं और तमाम मोटरसाइकिलें आपने बरामद की और कैसे इन आरोपियों को पकड़ा, क्या जानकारी देंगे इस पर आप? मुमरा पुलिस स्टेशन ज्यूरिडिक्शन में मोटर व्हीकल के थेप बढ़ते जा रहे थे। माननीय सीपी सर श्री वी एफ हंसलकर सर, एडिशनल सीपी सर कुमारी सर, माननीय डीसीपी सर गोसे सर, माननीय घोसलकर सर एसीपी सर, उन्होंने मुमरा सीनियर पीआई कर सर को गाइडेंस किया कि इसके ऊपर एक टीम अपॉइंट करो, व्हीकल थेफ्ट के लिए एक टीम अपॉइंट करो और उसके जरिए से व्हीकल के एक्यूज पकड़ के डिटेक्शन करो। तो मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई कर सर ने हमें आदेशित किया और एक हमारी टीम बनाई और उन्होंने किया कि इसके आगे कम से कम 15 दिन आप व्हीकल पे स्टडी करेंगे और व्हीकल का डिटेक्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग ने टेक्निकल थोड़ा CDR SDR का सहायता से और कुछ गुफिया गोपनीय बातमीदार के सहायता से हमें लिंक लगी कि मुमरा में ही रहने वाले कुछ लोग जिनको आदत है कि हैंडल तोड़ के मुमरा में ही बाइक रात भर घुमाना और छोड़ देना, ऐसे टीम घूम रही है। तो उस हिसाब से हमने ट्रैप लगाया और 4 आरोपी को अरेस्ट करके उनके पास से 12 मोटरसाइकिल और 3 रिक्शा बरामद की गई है।
सर ये मुमरा के कौन कौन से परिसर में रहते हैं ये सारे आरोपी जो पकड़े गए हैं? सब आरोपी पकड़े गए, चारों आरोपी कोई अमृत नगर परिसर में रहता है तो कोई कौसा परिसर में रहते हैं, और आगे की भी जांच जारी है, और भी व्हीकल और आरोपी पकड़ आने की हो सकती है, और भी गाड़ियां इनसे बरामद हो सकती है। सर अभी फिलहाल इनकी पुलिस कस्टडी कब तक है? आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा जी, और देन नेक्स्ट डिसाइड हो जाएगा, आज पीसी मिलेगी, आज कोर्ट में पेश किया जाने वाला। ठीक है सर, अपनी गाड़ियों का शहरवासी गाड़ी मालक ध्यान रखे तो उनको क्या सूचना करेंगे आप? हम उनको किस तरीके की सावधानी उनको बरतनी चाहिए? हम उनको सूचना करेंगे, वो जहाँ पे रहते हैं जिस सोसाइटी में रहते हैं उधर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, उन्होंने उधर वॉचमैन रखना चाहिए, उन्होंने पार्किंग जोन खुद के बिल्डिंग के नीचे पार्किंग जोन तैयार करना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने थोड़ा केयर लेना चाहिए जिससे गाड़ी चोरी ना हो, अंकुश लग सकता है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।